जिन्होंने बैठक का आमंत्रण किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव दृष्टि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे आगामी अभियान लिए हैं। आज की बैठक हमारी संगठनात्मक बैठक है, पिछले कार्यों की जानकारी कहां तक हुआ है, आगामी कार्यक्रम जो हमारे चुनाव अभियान की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं उन अभियानों की रूपरेखा रखेंगे, उनके कार्यक्रम के क्रियान्वयन की योजना बनाएंगे, आज इसलिए हमारी बैठक हो रही है। ये कहीं ना कहीं अभी देखा जाए 2000 चुनाव को लेकर 19 के जो चुनाव है कुछ जनता कुछ नाराज नजर आ रही है। एक तो जैसे राम मंदिर का मुद्दा हुआ उसमें नाराजगी है, क्या कहेंगे उसको लेकर? अभी मैं ये कह सकता हूँ कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद पूरे देश का वातावरण जो जैसे था, नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज भी जनता की भावना वैसे ही है। और जो गरीब कल्याण किसान हितैषी काम किया है, जो गरीबों के कल्याण के लिए हमारी मोदी योगी सरकार ने काम किया है, हम उसका प्रचार प्रसार निचले स्तर पर भी कर रहे हैं। और जनता की हो सकता है आप कह रहे हैं कि नाराज़गी है, लेकिन मुझे जो लगता है कि देश में आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने गरीबों के लिए इतने सारे काम किए हैं, चाहे उज्ज्वला का काम हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे गांव के अंदर शौचालय का निर्माण हो, चाहे किसानों का कर्ज माफ़ी का काम हो, बहुत सारे काम किए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो हमने गांव गरीब किसान के कल्याण के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, निश्चित रूप से 2019 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। दूसरा, जो आपने कहा कि राम मंदिर का विषय, राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है। हम सभी पूरे देश और प्रदेश के वासी ये चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जो विषय चल रहा है उसका जो निर्णय आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। और हम सब व्यक्तिगत रूप से ये चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है जो उसके आधार पर ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज कुछ साधु संतों ने एक बैठक रखी है दिल्ली में, कई साधु गए करीब सैकड़ों की संख्या में, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, राम मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा, जो 3 तलाक पे बिल पास कर सकते हैं, राम मंदिर के मुद्दे क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये विषय साधु संतों का है, वो अपनी बैठकें करेंगे, अपना करेंगे, उनका सम्मान है, समाज से वो जुड़े हुए हैं, समाज उनसे जुड़ा हुआ है, उस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और जो आपका कहना है कि संविधान जहाँ आवश्यकता देश हित में जो पड़ता है उस हिसाब से संविधान में सभी लोग बैठते हैं, वहाँ पर उसका जो निर्णय होता है वो करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर से कोई अलग नहीं है, हमारी आस्था है। अब आस्था है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी हमारा आस्था का केंद्र है, तो सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, विचाराधीन है, सुनवाई शुरू हो गई, तो जो निर्णय आएगा उसके अनुसार।